हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन यूके। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन घरों का बेसिक नक्शा और मैं आपको बताऊंगा कि इनका बजट क्या रहता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में अपना घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे 50-60 गज के घरों को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे ही आ रहा है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी आप वीडियो में जो घर देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेरेस हाउस। इनको विक्टोरियन हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के टाइम के बने हुए हैं। इन घरों का जो मेन फीचर है वो ये है कि इन सब घरों की वॉल शेयर्ड है, दोनों साइड वॉल जो है वो शेयर्ड है। ये घर अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 साल पुराने हैं। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं, 100 से 150 साल पुराने घर और अभी भी ऐसे दिख रहे हैं। और इस सारे के सारे घर 50-60 गज के अंदर बने हुए हैं और इन 50-60 गज के घरों में एक बैकयार्ड गार्डन तक है। अगर पुराने टाइम की मैं बात करूँ तो ये घर वर्किंग क्लास के लिए बनाए गए थे, पर आज के दिनों में भी इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लंदन में ही बात करें तो इन घरों की कीमत 10 से 15 करोड़ है। छोटे सिटीज़ में बात करें तो इनकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ में शुरुआत होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है टेरेस हाउस का बैकयार्ड गार्डन। गार्डन का साइज़ डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। कुछ घरों के गार्डन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे ये घर जो आप देख रहे हैं इनके गार्डन काफ़ी बड़े हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस हाउस के फ्लोर प्लान्स। इसमें आपका बेसिक एरिया सेम रहता है, बस इसमें हल्के हल्के वेरिएशन हो सकते हैं। तो जैसा कि पहला आप प्लान देख रहे हैं, इसमें आपके 3 बेडरूम, 1 बाथरूम और 1 किचन है। आपका घर में एंटर करते ही लिविंग रूम, देन आपका स्टेयरकेस हो गया, देन डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम। किचन और बाथरूम के बीच में एक डोर दिया गया है जिससे आप गार्डन को एक्सेस कर सकते हैं। गार्डन आपको फ्लोर प्लान में कहीं भी दिखाई देगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आपके यहाँ पे 3 बेडरूम हो गए। 1 बेडरूम ये आगे की तरफ हो, 1 बेडरूम आगे की तरफ, 2 बेडरूम पीछे की तरफ। ये जो छोटा बेडरूम है इसको आप स्टडी रूम या फिर किड्स रूम बना सकते हो। सेकंड फ्लोर प्लान देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे आप एंटर करते हैं घर में तो ये जो लाउंज रूम है इसमें एक छोटी सी वॉल बनी हुई है, तो इससे आपको एक सेपरेट रूम टाइप हो गया। उसके बाद आपका स्टेयरकेस, डाइनिंग रूम, किचन एंड बाथरूम। फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर 3 बेडरूम हो गए और हर बेडरूम का अरेंजमेंट ऐसा है कि इनका प्राइवेट एंट्री है तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। थर्ड फ्लोर प्लान देखते हैं, ये प्लान थोड़ा मॉडर्न है। इसमें क्या किया कि जो स्टे के सेंटर में थे, जो लिविंग और डाइनिंग एरिया को डिवाइड कर रहे थे, उनको साइड में कर दिया है तो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया एक हो गया। तो ये एरिया आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है। पीछे आपका वही किचन और बाथरूम। फर्स्ट फ्लोर पर अगर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आपके 2 बेडरूम होते हैं और पीछे की तरफ यहाँ पर एक बाथरूम बनवा सकते हो, तो आपका फर्स्ट फ्लोर पर भी एक बाथरूम हो गया और एक ग्राउंड फ्लोर पर भी बाथरूम हो गया। तो ये थे आपके फ्लोर प्लान। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेमी डिटैच्ड हाउस, तो आइए चलते हैं। जो दूसरा टाइप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है सेमी डिटैच्ड। इन घरों का मेन फीचर होता है कि इनकी एक ही वॉल शेयर्ड होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। ये घर टेरेस हाउस से थोड़े महंगे होते हैं। इनका स्टार्टिंग रेंज 3.5 करोड़ के आसपास शुरू होता है और उसके बाद कहीं भी जा सकता है रेनोवेशन के हिसाब से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ सेमी डिटैच्ड हाउस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेमी डिटैच्ड हाउस का फ्लोर प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमी डिटैच्ड हाउस थोड़े बड़े होते हैं तो इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप काफ़ी रहता है। तो आप देखेंगे कि आपके बेडरूम हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। और अब जैसा कि आप ये फर्स्ट फ्लोर प्लान देख रहे हैं, इसमें आपका एंटर करते ही इस तरफ लाउंज हो गया, किचन हो गया, देन एक छोटा सा बाथरूम और आपका पीछे एक कंजर्वेटरी एरिया हो सकता है। इसको आप स्टोरेज भी बना सकते हो या फिर ग्रीन हाउस बना सकते हो। यहाँ से आपके गार्डन का एक्सेस हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे आपके हो गए 3 बेडरूम और तीनों बेडरूम की अलग अलग एंट्री और आपके पास एक कॉमन बाथरूम हो गया। अगर सेकंड फ्लोर प्लान देखिए सेमी डिटैच्ड हाउस का, तो जैसे आपका एंट्री करते ही लाउंज हो गया, देन आपका डाइनिंग रूम हो गया या किचन हो गया और लास्ट में आपका हो गया सन रूम या कंजर्वेटरी रूम या ग्रीन हाउस या स्टोर रूम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आपका सेम 3 बेडरूम और 1 बाथरूम। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटैच्ड हाउस। We'll be right back.
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटैच्ड हाउस। ऐसे घरों का मेन फीचर है दोनों तरफ की इंडिपेंडेंट वॉल। वैसे ये घर टेरेस से और सेमी डिटैच से थोड़े बड़े होते हैं और उसके हिसाब से ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटैच्ड हाउस। तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये है एक डिटैच्ड हाउस का फ्लोर प्लान। डिटैच्ड हाउस में आपका एरिया फिर बढ़ जाता है और आपके पास एक्सपेरिमेंट का स्कोप काफ़ी होता है। तो जैसे अगर ये फ्लोर प्लान हम देखें तो इसमें एंटर करते ही आपका लाउंज रूम हो गया, देन साइड में आपका स्टेयरकेस, यहाँ पे आपका फैमिली रूम, किचन, डाइनिंग रूम या आप अपना ऑफिस स्पेस बना सकते हैं और यहाँ पे एक आपके पास स्टोरेज का अलग से एरिया हो गया। और पीछे ये दोनों जो आप डोर देख रहे हैं ये आपके गार्डन का एक्सेस हो गया। और फर्स्ट फ्लोर पर देखें तो आपका सेम रहेगा, 3 बेडरूम और 1 बाथरूम। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बंगलो। अब मैं दिखाता हूँ आपको बंगलो। बंगलोज का मेन फीचर जो रहता है वो ये कि ये इनकी दोनों तरफ की वॉल इंडिपेंडेंट होती है, इनके चारों तरफ काफ़ी एरिया खाली होता है, इनके गार्डन बहुत बड़े होते हैं और इनमें सिर्फ एक ही फ्लोर बना होता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये टेरेस, सेमी डिटैच्ड और डिटैच्ड इन सबसे काफ़ी महंगे होते हैं और मोस्टली आपको अपना शहर से काफ़ी बाहर मिलते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बंगलो। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बंगलो का फ्लोर प्लान। तो बंगलो में जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना होता है, तो आपका सारे बेडरूम, किचन, लिविंग रूम आपका सब ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। इसमें एरिया काफ़ी बड़ा होता है और अभी आप जो घर देख रहे हैं आप समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ गार्डन है। और लास्ट कैटेगरी है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा ये सब नई बिल्डिंग्स हैं। अगर यूके के मार्केट ट्रेंड को देखें तो ब्रिटिशर्स मेनली इंडिपेंडेंट हाउस को प्रेफर करते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अपार्टमेंट्स। ये मैं जो अपार्टमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ ये हैं रिवर साइड अपार्टमेंट्स। बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट, मुझे बहुत पसंद है। देखिए इनमें बालकनी है, रिवर का व्यू है और ये ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में पड़ते हैं। अगर इनके रेट की बात करूँ तो इनका स्टार्टिंग रेट 3.5 या 4 करोड़ से शुरू होता है। ये 2 बेडरूम से स्टार्ट होते हैं एंड देन 3 या 4 बेडरूम तक जाते हैं। बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट्स। तो आज हमने देखा कि यूके में 5 टाइप के घर होते हैं, टेरेस्ट, डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड, बंगलो और अपार्टमेंट्स। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।